नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ देखिए फ्रेंड जैसा कि आप सभी को बताएंगे छह तारीख को होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए संध्या कंप्यूटर की ओर से जो है चैप्टर वाइज आप सभी के लिए एम लाए गए थे उसी कड़ी में आज जो आपका टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर चार यानी कि इंटरनेट का परिचय मेरे फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर आप पूरा का पूरा इंटरनेट के परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी कि तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ और इस बार आप करें नाइनटी से पार इस चैनल के साथ मेरे बैंक चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप आई के सबसे

है कि उस हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे जिनका 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स मेरा यकीन कीजिएगा कि ये आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन की आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखेंगे मैं मेरी ओर से आप सभी को ये सारी की सारी बातें बताने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं आईएसपी की तो आईएसपी का जो पूरा नाम होता है मेरे पेंट साहब का क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है यानी कि आईएसपी आपकी एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको क्या करती हैं इंटरनेट की सेवा देने का काम करती है क्या करती है इंटरनेट की सेवा इंटरनेट की सेवा देने का काम करती है उस जैसे कि मान लिया जाए कि आपके मोबाइल के अंदर एयरटेल की सिम कार्ड है या किसी के जियो का सिम कार्ड होगा किसी के वोडाफोन का सिम कार्ड होगा तो जो आपका सिम कार्ड है वो आपको क्या दे रहा है उस टेलीकॉम कंपनी द्वारा आपको इंटरनेट की सेवाएं दी जा रही है तो वो आपके डिवाइस के लिए क्या हो जाएंगे आई की तरह काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आई वाला डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और कि कौन से डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलने का काम करता है तो देखिएगा ऐसी इनमें से कौन से डिवाइस हैं जो क्या करती हैं कि एनालॉग सिग्नल को किस में बदलती हैं डिजिटल सिग्नल में तो मेरबेंट आप बोलेंगे कि जो मॉडर्म होता है वो क्या करता है कि जितने भी एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में और जितने भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल बदलने का काम करता है मॉडेम का अगर कभी पूरा नाम पूछा जाए तो हालांकि दूसरे चैप्टर में मैंने बता दिया था फिर भी एक बार और बता देता हूं कि इसका जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर टू डी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रॉडबैंड की स्पीड किस में मापी जाती है अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक तो बना नहीं है कभी भी ये क्वेश्चन और इस बार जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस बार अगर एग्जामिनर कुछ नया करने को चाहेगा चैप्टर से तो इस क्वेश्चन को भी उठा सकता है क्योंकि मैंने जो ये आपके क्वेश्चन लिए लाइन लाइन से जो भी आपके क्वेश्चन बनने वाला था वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स आपके इसके अंदर आ गए तो जिन स्टूडेंट ने अगर ये सोलह टॉपिक तक की ये सीरीज देख ली गारंटी के साथ बोलता हूँ कि नाइन 36 ऊपर आपको जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी ये आज ही मेरे से लिख के ले लो कि जिसने एक से लगा के सोलह टॉपिक तक आ, सारे जो है कंटिन्यू वीडियो देखे हैं इनके अलावा भी जो आपके मॉडल पेपर तो आप रेगुलर देखते ही हो तो अगर ये क्लासेस भी आप रेगुलर देखते हैं तो गारंटी के साथ यकीन बोलता हूँ कि छह तारीख के दिन आप बोलोगे कि सर जो आपने बोला था हु हमको एग्जाम में देखने को मिला है देखिएगा ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो मापी जाती एमबीपीएस यानी कि मेगा बिट्स पर सेकेंड किसमें मापी जाएगी मेगा बिट्स पर सेकेंड एमबीपीएस यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन की वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वाईफाई का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा यानी एक प्रकार का ये इंटरनेट कनेक्शन आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं और ये वायरलेस होता है इसकी रेंज जो होती है 20 मीटर तक हो सकती है और ये किस प्रकार का नेटवर्क है तो याद रखना लैंड प्रकार का नेटवर्क होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क प्रकार का क्या होता है नेटवर्क होता है अगला क्वेश्चन के डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे डब्ल्यू का तो हालांकि सभी को पता होगा जो क्या होता है एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन पे डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीएसएल आपकी क्या होती है केबल होती है जिसके द्वारा इंटरनेट को है जो कनेक्टिविटी बनाई जाती है इंटरनेट की कनेक्टिविटी डीएसएल के माध्यम से भी बनाई जाती है और इसका जो पूरा नाम हो जाता है आपके लिए क्या हो जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो हर किसी व्यक्ति के लिए ना हो के किसी विशेष समुदाय के लिए हो सकता है संगठन के लिए हो सकता है वो ही उस नेटवर्क का यूज कर पाएंगे तो उस प्रकार के नेटवर्क को अपन मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे इंटरनेट बोलेंगे क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो निजी नेटवर्क होता है जबकि जो आपका इंटरनेट है वो एक कैसा होता है सार्वजनिक होता है वैश्विक नेटवर्क होता है और इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क और सूचना का सुपर हाईवे भी बोला जाता है तो इतने से बातें भी अगर क्लियर होगी तो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से जाने नहीं दूंगा अगला क्वेश्चन की एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यूआरएल अब देखो यूआरएल से जो आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना और क्या क्या पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में पता रखना यू का पूरा नाम अगर पूछता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरा नाम तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये याद रह जाएगा आराम से इसके अलावा जो यू आर एल होता है वो किसी भी वेबसाइट का क्या होता है एड्रेस होता है क्या होता है वेबसाइट का एड्रेस किस नाम से जाना जाता है यू आर एल के नाम से जाना जाता है जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ आपके सामने डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम तो ये जो है गूगल का क्या है एड्रेस है तो इस एड्रेस को मैं क्या बोलूँगा यू आर एल बोलूँगा इसके अलावा जो यहाँ पे आपको एस टी टी पी ये दिया हुआ है इसके बारे में भी पता रखना है इसका जो पूरा नाम होता है ये क्वेश्चन हो बू देखने को मिलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कभी कभार एस टी एस भी लिखा हुआ मिलता है तो उस एस का मीन्स होता है आपका सिक्योर होता है ना तो इसके बारे में पता रखेंगे एक आपसे इसका पूछा जा सकता है टीसीपी का तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कभी अगर आईपी का पूछता है तो इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या बोलोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ये यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम क्लियर हो जाएगी यानी कि अगर एच टी टी पी के बारे में पूछता है यू आर एल टी सी पी आई पी अगर ये नाम आपसे पूछे जाते हैं तो इनके फुल फॉर्म आपके मुंह पे याद होनी चाहिए अगला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स देखिए एक क्वेश्चन से कम से कम मैंने आपको छः से सात क्वेश्चन बता दिए अगर आ, ट से टप पूछना चाहेगा ना यू से तो यही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी अगला क्वेश्चन के डॉट कॉम डोमेन का उपयोग होता है कहां पे होता है तो देखिए डॉट कॉम की जब भी बात आए तो किस में होता है व्यापार में यानी कि कॉमर्शियल कॉमर्शियल के अंदर ही होता है किसका डॉट कॉम का आ, शिक्षा में किसका होता है डॉट ई डी यू का होता है नेटवर्क में डॉट नेट का होता है संगठन में ओ आर जी का होता है तो इनके बारे में भी कम से कम पता रखेंगे और ये सारे के सारे क्या होते हैं टॉप लेवल डोमेन होते हैं अगला क्वेश्चन की एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करती है उस सेवा को मैं क्या बोलूंगा डीएनएस बोलूंगा और डीएनएस का कभी अगर पूरा नाम पूछा जाए तो डोमेन नेम सिस्टम होता है क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम याद रह जाएगा आराम से यहाँ से है ना डीएनएस अगर करता क्या है तो कोई भी आपका जो डोमेन नेम होगा उसमें उसको किसमें बदलेगा आईपी एड्रेस में बदलेगा और आईपी एड्रेस हमेशा किस में होते हैं संख्या में होते हैं आपको इस टाइप से देखने को मिल मिल सकते हैं है ना यानी कि इसकी संख्या नौ तक हो सकती है नक, आ, ये आप देख लेना एग्जाम्पल के तौर तो मैं कभी और बता दूंगा और ये हमेशा कैसे होंगे संख्या में होंगे तो कभी कभार तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से एक आईपी एड्रेस का उदाहरण है तो आपको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो एक संख्या के रूप में आपको देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन एक की बार जो वांछित संसाधन या पेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है है ना यानी ऐसी कौन सी बार हैं जो किस में ये किसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ तो वेब ब्राउजर के संदर्भ में बात कर रहा हूँ तो एक ऐसी बार होगी जो किसी वांछित संसाधन या पेज के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को दर्ज करने में काम आती है तो उसको मैं क्या बोलूँगा एड्रेस बार बोलूँगा क्या बोलूँगा एड्रेस बार बोलूंगा तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन की निम्न में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है हो सकता है एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दे रखे हो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर बाकी ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो आप, आपको ऐसा ही पूछा जाएगा नेटस्क्रप नेविगेटर आपका वेब ब्राउजर होता है मोजिला फायरफॉक्स भी होता है सफारी भी होता है जबकि बिंग याहू और गूगल ये तीनों क्या होते हैं सर्च इंजन होते हैं बिंग याहू और गूगल तो इनका अगर तीनों का नाम दिया जाए तो याद रखना ये सर्च इंजन होते हैं अगला क्वेश्चन की एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वेब क्लाउरिंग भी होता है स्पाइडर भी होता है इंडेक्सिंग भी है सर्चिंग भी है तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है अगला क्वेश्चन की ईमेल का पूरा नाम क्या होता है अब देखो ईमेल से एग्जामिनर जरूर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ईमेल का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एक तो याद रखना इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है है ना और ईमेल आईडी जो भी होती है उसमें आपके सारे लेटर कैसे होंगे इस्तेमाल होंगे कैसे होंगे इस्तेमाल होंगे उसमें उसके बीच बीच में स्पेस होगा क्या आप बोलोगे नहीं होता एक क्या होगा का सिंबल होगा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा डोमेन कोड देखने को मिलेगा तो ये होता है किसी भी ईमेल आईडी को लिखने का एक सही तरीका होता है उसके बाद में अगर कभी आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि निम्न में से एक सही जो ईमेल का उदाहरण है वो कौन सा है तो आप आ, आराम से पहचान लेना ईमेल वगैरह आप सबकी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा इसमें जो ईमेल क्रिएट करने से संबंधित पूछा जा सकता है तो ईमेल क्रिएट करने का जो होता है वो कंपोज कहलाता है और कंपोज में याद रखना कि ये किसी भी प्रकार का फोल्डर नहीं होता है ये यहाँ से केवल और केवल ईमेल को क्रिएट किया जाता है

होते हैं जबकि इधर जो आपको स्पम बोल रहे हैं ना इस्लाम तो क्या होता है अनचाय मेल होते हैं क्या होते हैं अन्चाये, अन्चाये मेल होते हैं तो ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए है ना तो आप क्या बोलोगे कि मंतव्य एक और दो दोनों गलत हैं यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ईमेल के अंदर और मैंने जो जानकारी दी है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है अगला क्वेश्चन के की निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है तो देखिएगा पेटीएम क्या होता है सर्च इंजन आप बोलोगे नहीं होता राउटर होता है नहीं होता फ्लिपकार्ट नहीं होता तो फिर कौन सा होता है गूगल होता है गूगल याऊ और बिंग ये तीनों क्या होते हैं सर्च इंजन होते हैं अगला क्वेश्चन के की इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है तो ईमेल क्लाइंट भाई बताइए जल्दी से कौन सा होता है तो आप बोलेंगे जीमेल ईमेल क्लाइंट होता है अगला क्वेश्चन वेब ब्राउज़र क्या होता है तो भाई तो आप बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर के नाम बहुत सारे हो सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स पॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट एज है इंटरनेट एक्सप्लोरर है सफारी है गूगल क्रोम है यूसी ब्राउजर है ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए अगला क्वेश्चन के एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है तो आ ये सारे के सारे होंगे मॉडेम भी होंगे आईएसपी भी होगी वेब ब्राउजर भी होगा उपरोक्त सभी यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन के तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है तो मैंने बता दिया था कि जो आपका डीएनएस होता है उसका पूरा नाम क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर जो डी एन एस है उसका पूरा नाम तो क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके चौथे चैप्टर से आपके टॉप मोस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है ना जो भी बनने लायक क्वेश्चन थे सारे के सारे आपके सामने रख दिए आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें उन सभी विद्यार्थियों तक प्लीज जरूर भेजिएगा क्योंकि ये सेशन मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ है ना यानी कि खुद मेहनत कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स आपके लिए कि अगर एग्जाम में कुछ अलग करना भी चाहेगा तो इससे बाहर वो नहीं जा सकता गारंटी के साथ बोलता हूँ तो अगर एग्जामिनर के माइंड में अगर कोई क्रिएटिविटी आती भी है कि मैं थोड़ा हटके कुछ क्वेश्चन करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यानी एक से लेकर कि सोलह टॉपिक तक जो भी आपकी सीरीज है उनको एक बार देख लेना बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है और एक बार महामैराथन क्लास और इस चैनल के माध्यम से जितने भी मॉडल पेपर आप सभी के लिए लिए जाते हैं उन सभी को भी आपको अवश्य देखना है तो मेरे फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद की आपकी तैयारी बहुत ही जोरदार होगी इस चैनल के साथ में और आप करेंगे इस बार नाइन्टी से पार संध्या कंप्यूटर के साथ आ, आ, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत क्योंकि इससे जो अगला वीडियो होगा वो आपके पाँचवें चैप्टर के बारे में होगा